जरिए थोड़ा बहुत समझाना शुरू करता हूँ। इस वीडियो को जरूर देखो पूरी और मुझे कमेंट भेजो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सामने फ्लोट करेगा, आप व्हाट्सएप करिए। कहीं पे कोई परेशानी आ रही है सीखने में करने में, रात के 11 बजे मुझे आप फ़ोन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोसीड करना है, कैसे चलना है आपको। कोई भी परेशानी आ जाती तो इसको इसलिए कमेंट जरूर भेजें मेरे को, हाँ शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो गांव गांव तक पहुँचे। गाँवों के अंदर ये परेशानियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ सबको मदद मिलेगी उससे जितना आप शेयर करोगे इसको। लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, अच्छा लगे लाइक करो, अच्छा नहीं लगता मत करो। सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें अगर जो अच्छी लगी है तो। मैं घर घर में एक इलेक्ट्रीशियन बनाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए चलो चलते हैं। मैं कुछ अब डायग्राम के हिसाब से आपको, अब ये है आपकी घर के जो छोटा सा सर्किट एक बनाया है, किस तरीके की आपके घर में हाउस वायरिंग होती है। बाहर से फेस आया, न्यूट्रल आया, मीटर बाहर लगे होते हैं आजकल, मीटर से आपकी ये तार चली, ये घर के बाहर का हिसाब है। अब घर के अंदर आपके DBA है, अपने घर में अगर जो पीछे अर्थिंग कमज़ोर है तो एक अलग से अर्थिंग ज़रूर करा लें, अर्थिंग के बिना कभी भी सेफ्टी नहीं रह सकती। इस DBA के अंदर एक अर्थिंग लिंक टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल, ये MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर मेन जो होता है, ये अर्थ के लिए अर्थ फॉल्ट हो कोई तो इसको बोल देते हैं हम ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये आपके छोटी MCBs हैं जो अलग अलग कमरों में आपको सप्लाई देती है, तो हमेशा याद रखो फेस हमेशा एक साइड रखो, न्यूट्रल इधर आ गई, न्यूट्रल न्यूट्रल लिंक पर गई, ये सीधी चली है। कभी भी ब्लैक तार को MCB से मत कनेक्ट करो, ये फेस आ रहा है, ये नीचे से कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ स्ट्रिप लगी होती है, ये सब शॉर्ट होती है, तो आपने ऊपर से तार निकाली, अलग अलग रूम्स में चली गई, ये दूसरी जो खाली है ये दूसरे रूम में चली गई। चलो एक रूम ले लेते हैं, अब एक रूम में सिंपली एक सॉकेट है, चलो एसी वेसी चलाने के लिए पावर सॉकेट, स्विचेज हैं, फैन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो इस सॉकेट पर भी आप देखिए राइट साइड पर ही मिलेगा, तो हमेशा अपनी सॉकेट्स में ना एक साइड पर ही रखें फेस को, ये चेक करके रखो। और ये जो MCBs हैं इसके ऊपर लिखा होना चाहिए Room No. 1, Room No. 2, Room No. 3, Room No. 4 या Bedroom 1, Bedroom 2, Bedroom 3, Drawing Room। तो आपको कभी भी कोई काम करना है किसी रूम में, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है 10 कमरों को, आप जाइए उस रूम की MCB ऑफ कर दीजिए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है मेन ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप काम करिए। तो ये सर्किट का एनिमेशन आपको इस वीडियो के ना लास्ट में ये मिलेगा, आपको देखना किस तरीके से वायरिंग चल रही है, जा रही है, आ रही है, और डिस्क्रिप्शन में आपको ना इनकी सर्किट डायग्राम सब मिल जाएगा मेरी इसमें। दोस्तों अब इलेक्ट्रिक अंकल आपको थोड़ा सा घर के रिपेयर वर्क के बारे में बताएंगे कि आप खुद कैसे उसको कर सकते हो। मान लो आपकी ये सॉकेट खराब हो गई, तो इसके खराब होने के कई रीजन हो सकते हैं, एक तो गर्म हो के खराब हो जाती है, ज़्यादा लोड दे रखा है एसी वेसी का, अंदर के टर्मिनल जल गए, तो उस केस में क्या होता है आपको स्मेल आएगी प्लास्टिक जलने की। सेकंडली यहाँ तक तो फेस पहुँच जाएगा पर आगे ये नहीं दे पाएगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, MCB पे जाएंगे, MCG के इस एंड पर देखेंगे टेस्टर से फेस आ रहा है, इन तरफ आपकी लाइन ठीक है, यहाँ तक फेस न्यूट्रल पहुँच रहे हैं आपके,
इसको बंद कीजिए, फेस डिस्कनेक्ट हो गया, पर यहाँ पे चेक जरूर कीजिए टेस्टर से एक बार फिर। कई बार क्या होता है, कुछ बेवकूफ़ इलेक्ट्रिशियन न्यूट्रल को एमसीबी से दे देते हैं, फेस को सीधा दे देते हैं, ये पीछे की दो तार अगर जो वो बदल दें, हाँ इसको यहाँ ले आए और इस फेस को ले जाए ऊपर, तो ये फेस सीधा पहुँचता है, एमसीबी से नहीं पहुँचता, तो उस केस में यहाँ करंट लगता है और ये अक्सर होता है। तो एमसीबी बंद करने पे भी यहाँ पे फेस चेक कर लें, यहाँ कर लें फेस ठीक दे रखा है एमसीबी से, उसके बाद यहाँ चेक कर लें, यहाँ फेस नहीं आ रहा, खत्म बात। ये खोलिए, तारें काट दीजिए, जल गई होंगी आगे से, और दूसरी ये सॉकेट लगा के पहले बाहर कनेक्शन कर लीजिए, राइट साइड को रखिए इसको, फेस को, ये पहचान हो जाती है हर सॉकेट में, भाई कभी चेक करना हो तो राइट साइड में टेस्ट कर दिया, चेक हो गया फेस आ रहा, तो हमेशा राइट साइड में ही लो, या लेफ्ट चूज किया तो लेफ्ट में चल जाए। एनी आउट, ये सॉकेट चेंज हो गई आपकी, सेम स्विच है, स्विच गर्म हो जाता है, कई बार खराब हो जाते हैं, आगे ट्यूबलाइट नहीं जल रही, तो उस केस में क्या करोगे आप, ये जो पॉइंट है ट्यूबलाइट के, यहाँ पे चेक करो टेस्टर से, अगर जो यहाँ करंट आ रहा है तो इसका मतलब स्विच है ठीक, और अगर जो यहाँ करंट नहीं मिल रहा तो स्विच हो गया खराब, तो ये देख लो ये तार अंदर की ये ना जल गई हो, तो ये चेक करके आप जो है, और अगर जो फेस यहाँ पे आ रहा है और आगे लाइट जल नहीं रही तो इसका मतलब आपकी लाइट गई, तो आपको लाइट ये चेंज करनी पड़ेगी। आजकल सिस्टम पुराने खत्म हो गए, क्यों चौक बदल दी, स्टार्टर बदल दिए, स्टार्टर है तो स्टार्टर बदल के देख लो, क्यों एलईडी ट्यूबलाइट्स आ रही हैं वह पूरी बदलनी पड़ जाती है। अब ऐसी ये फैन है, फैन के अंदर क्या होता है, कई बार ये चलेगा नहीं, बहुत स्लो चल रहा है, तो या तो रेगुलेटर खराब हो गया या कुछ और वजह है, तो रेगुलेटर चेक करने का तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट रेगुलेटर से हटा के डायरेक्ट चला लो, अंदर के कनेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्ट कर दो स्विच से फैन को, तो ये फुल स्पीड पे चलना चाहिए, इसका मतलब रेगुलेटर खराब था, खराब है, इसको बदलना पड़ेगा, और अगर जो फिर भी स्लो चल रहा है डायरेक्ट करके स्विच से, तो फिर बीमारी इधर है, इधर क्या बीमारी है, इधर एक कंडेंसर होता है, उसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, छोटी सी डब्बी होती गोल सी, वो लाइए मार्केट से 150-200 की, सीडी लगाओ पीछे से, सब कुछ ऑफ कर दो, स्विच वगैरह एमसीबी वगैरह उठा के उसको चेंज कर दो। कैपेसिटर बदलते समय एक ध्यान रखना, आपको पुराना कैपेसिटर हो नया कैपेसिटर हो, कभी भी उसके दोनों पॉइंट्स को टच मत करो, उसके अंदर करंट बैटरी की तरह स्टोर होगा, वो स्पार्क करेगा, हल्का सा झटका मारेगा, इतना खतरनाक नहीं होता, बचो, तो प्लायर लेके उससे अपना कनेक्शन कर लो उसके, सावधानी से, पंखा आपका ठीक हो गया। कई बार एमसीबी है उठती ही नहीं है, डाउन ही रहती है, जितना मर्जी ऑन कर लो, इसका मतलब ये अंदर से डैमेज हो गई, तो आपको एमसीबी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा, लाइट लोड पे 6-6 एम्पेयर से ऊपर मत रखो, ये याद रखो, और इन एमसीबीज के ऊपर हमेशा मार्किंग होनी चाहिए, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इंसान एमसीबी ढूंढता रह जाता है, भाई इस कमरे में स्विच खराब है, कौन सी एमसीबी है, सारी गिराएगा, सारे घर को चेक करेगा, तब जाके इस कमरे की एमसीबी को बंद करेगा, फिर काम करेगा, तो अगर जो लिखा होगा तो सीधे जाओ उस कमरे की एमसीबी को ऑफ करो और अपना काम करो, ये कहीं पर भी मैंने लिखे हुआ नहीं देखा, नॉर्मली लापरवाही, इससे बहुत आराम मिलता है। बाकी ये जो एमसीबी है इसको आप, इसका टोटल कर लो कितने एम्पेयर की लगी हुई है एमसीबी, अकॉर्डिंगली इसको लगा दो, जैसे मान लो ये 6-6 एम्पेयर की 848 एम्पेयर हो गया, इसमें कोई 15 की भी होगी एसी के लिए होगी, तो इसको उससे ऊपर 63 एम्पेयर के लगा दो एमसीसीबी को, सेम ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, आपको किसी इक्विपमेंट पे शॉर्ट हो गया और अर्थिंग हो रखी है उसकी, तो ये ट्रिप कर जाएगी, आपको बचाएगी, नहीं तो होता क्या, अर्थिंग नहीं होगी तो पूरी बॉडी में लीकेज होती है, आदमी को पता नहीं होता, जाके टच कर दिया, शॉक लगा और क्या, बहुत से ऐसे केस हुए हैं जो कूलर लगाते हैं लोग बाहर, उसमें अर्थिंग तो वो समझते ही नहीं है कोई चीज़ है,
और ज्यादातर एक्सीडेंट कूलर के ही देखे हैं हमने। अर्थिंग होगी तो वो ट्रिप हो जाएगा, एमसीडी चलेगा ही नहीं कूलर आपका। और घर में अगर जो अर्थिंग प्रॉपर नहीं आ रही पीछे से, तो आप एक अपनी अर्थिंग अलग करवा, 2-3 हजार का खर्चा नहीं होता, एक अर्थिंग अपनी नीचे करवा गए, उसका कनेक्शन यहाँ गया और टर्मिनल पे। सो दिस इज द वे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भगवान मालिक है, उनकी अर्थिंग बीच में टूट गई आपके घर में नहीं आ रही, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहो, आप अपनी अर्थिंग खुद करा सकते हो तो उसमें जरूर कराओ, फॉर सेफ्टी, बच्चों की सुरक्षा, आपकी अपनी खुद की सुरक्षा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक मेरी एनिमेटेड वीडियो है जिसमें वायरिंग खुद कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जा रही है, ये आप देखिए और एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए, और मुझे कमेंट भेजिए आपने कुछ पूछना, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। व्हाट्सएप मेरा नंबर फ्लोट कर रहा होगा, उसके ऊपर मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, मुझे फ़ोन करके आप रात के 11 बजे भी मेरे से सलाह ले सकते हो, और इस वीडियो को गांव गांव तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है, तो इसको शेयर जरूर करते रहिए। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल जरूर बजा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और बेल जब बजाते हैं तो उसके अंदर आता है लिखा हुआ ऑल, पर्सनल या नो, तो आप ऑल पे क्लिक करो अपना छुट्टी, आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे भी मैं इसी टाइप की कुछ वीडियो बनाऊंगा, घर से रिलेटेड एसी तक पहुंचाऊंगा आपको, और भी प्लम्बिंग की भी बनाऊंगा मैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसको। सो थैंक्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।